टाइगर की जितनी फॉलोइंग है वो 8 साल के बच्चे से लेके 20 साल के बच्चों तक है, तो ये ऑडियंस को के लिए एक गिफ्ट था। हाय गाइस, दिस इज अमाल मलिक एंड यू आर वाचिंग biscuit.com। पता नहीं, आई थिंक मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ शायद खुद, तो इसलिए ऐसे गाने मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड आई थिंक रोमांटिक सॉन्ग्स लिव लॉन्गर देन डांस ट्रैक्स, क्योंकि डांस ट्रैक में एक बात होती है, अगर आप कोई भी सुपरहिट गाना उठा के देख लो, कभी कभी होता है कि गाना अच्छा होता है, वीडियो अच्छा नहीं होता, तो गाना कहीं ना कहीं नहीं चलता, यानी उतनी कामयाबी नहीं पहुँचता जो अगर वीडियो अच्छा होता तो और पहुँचता। रोमांटिक सॉन्ग के साथ वैसा नहीं है, अगर वीडियो सिर्फ मोन्टाज पे हो या मोमेंट्स पे भी हो, अगर गाने में फील है तो वो गाना निकल जाता है। आप तुम ही हो देख लो, इट इज़ डिसेंटली शॉर्ट, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट पागलपन वाली शूटिंग थी, कुछ नहीं था, एक लड़का एक लड़की, बारिश और एक रेनकोट, इससे ज़्यादा कम बजट में गाना कभी शूट नहीं हो सकता, पर ब्यूटिफुली शॉर्ट गाना था और गाने में बात थी। अभी आप एक डांस ट्रैक लो जैसे सैटरडे सैटरडे या कोई गाना, अगर उसमें वो इतना लैविश सेट, वरुण धवन, आलिया भट्ट, स्टार्स, परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी, डांस ट्रैक में काफ़ी चीज़ें मैटर कर, कि एक हुक लाइन होती है कि वो हुक लाइन याद हो जाए या तो म्यूज़िक पीस को याद हो जाए, तो वो बहुत 6 फैक्टरों के बाद डांस ट्रैक को मानते हैं कि हाँ ये अच्छा गाना है, पर रोमांटिक सॉन्ग सीधा दिल को छू लिया, ख़त्म, गाना जीत जाता। जिंदगी आ रहा हूँ मैं इज़ वेरी बिग थिंग इन इट्स ओन ओनली, यानी मैंने सिंगल्स में वेंचर इसलिए किया था क्योंकि टाइगर मेरा दोस्त है और हम लोग की एक दिन बात हो रही थी एंड उसने मुझे ये आइडिया बताया कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फॉलोअर्स, माई फैंस, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली पिक्चर में इतना प्यार दिया, ही वन फिल्म फेयर, ही वन सो मनी अवार्ड्स, तो आई थिंक इन अ वे इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू टाइगर्स फॉलोअर्स फैंस, यू नो, जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम लोग मैसेज पहुंचाना चाहते थे इस गाने के ज़रिए कि सब लोग घर पे बैठते हैं या दे डोंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड यू नो लाइफ एक चैलेंज है, उसको चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। और टाइगर की जितनी फॉलोइंग है वो 8 साल के बच्चे से लेके 20 साल के बच्चों तक है, तो ये ऑडियंस को के लिए एक गिफ्ट था। मैंने अपनी फिल्म्स के अलावा ये कोशिश थी कि मैं एल्बम्स करूँ या सिंगल्स करूँ, क्योंकि जो इंडी पॉप कल्चर है आफ्टर हनी सिंह, किसी ने उसे एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि वो एक ही आर्टिस्ट है जो फिल्म्स के अलावा भी जब सिंगल्स करते वो सुपर हिट होते हैं, तो ये एक सपोर्ट था जहाँ एक टीम वर्क हुई बिटवीन अहमद खान, भूषण कुमार, टाइगर और मेरी, उसमें आके इतनी प्यारी तरीके से आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ दी, तो गाना आज इतना बड़ा पॉपुलैरिटी उसने पाया है यूट्यूब पे, इतने हिट्स है, 19 मिलियन है और इट्स ऑलमोस्ट द सेम व्यूज़ जो सूरज डुबाए को, यानी तो ये दिखाता है कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं, अच्छा म्यूज़िक होगा और कनेक्ट होगा तो एल्बम सॉन्ग्स भी चलते हैं। एंड चल वहाँ जाते बहुत ही स्पेशल सॉन्ग था, क्योंकि इसमें हम लोग ने कुछ और रिवर्स किया, इसमें ना कोई स्क्रिप्ट था ना आइडिया था, मुझे सीधा अहमद सर ने और भूषण जी ने बोला था एक अच्छा लव रोमांटिक सॉन्ग बनाओ, हम स्टोरी उसके बाद बनाएंगे, तो इस गाने में हम लोग रिवर्स गए। ज़रा ज़िंदगी में एक आइडिया था कि मुझे यंगस्टर्स को एंकरेज करना है, ये वो सब था, इसमें था कि एक अच्छा गाना बनाओ, हम स्टोरी उसके बाद लिखेंगे। तो चल वहाँ जाते हैं मैं मैंने रश्मि विराग के साथ कोलैबोरेट किया, जिन्होंने मुस्कुराने की वजह, खामोशिया से बहुत हमारी अधूरी कहानी जैसे गाने लिखे, और ये गाना 6 घंटों में एक रात को बना था। कैलेंडर गर्ल्स इज जस्ट रिलीज्ड एंड उसका एक गाना है ख्वाहिश है, जो अरमान ने और अरिजीत ने गाया, उसको काफ़ी लव मिल रहा है, रेडियोज़ पे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उस गाने को, सो आई एम हैप्पी कि इस साल दिस इज़ बिन अ गुड ईयर 2015 एंड आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ द ईयर मेरी दो फिल्म आ रही है, एक फिल्म है हेज स्टोरी 3, जिसमें मैंने एक बहुत ही सुपरहिट ओल्ड सॉन्ग को रिक्रिएट किया है एंड वो एक सरप्राइज़ है, मैं जल्दी आप लोग को बताऊँगा। एंड एक फिल्म है मस्तीज़ादे विद प्रीतिश नंदी एंड उसमें सनी लियोनी इन अ डबल रोल, कॉमेडी है वीरदास और तुषार कपूर के साथ, तो अभी मैं कुछ जाते जाते ईयर एंड में कुछ अलग करके जाना चाहता हूँ एंड नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई हैव अ फिल्म कॉल्ड एयरलिफ्ट जो अक्षय कुमार सर के साथ है, वो मेरी बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म है एंड आई हैव सनम रे विच इज़ डायरेक्टेड बाय भूषण कुमार सर्स वाइफ दिव्या खोसला कुमार एंड जुनूनियत एंड एक और फिल्म है विच इज़ अभी स्टिल इसके प्रेजेंटेशन और हाँ देर इज़ धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म है जो मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म विद धर्मा विच इज़ कपूर एंड सन्स, तो इंटरेस्टिंग 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं और अभी कुछ और, वंस आई स्टार्ट वर्किंग आई विल नो,
बट फॉर नाउ टिल 2015 एंड तक हेट स्टोरी और मस्ती ज़्यादा है, एंड नेक्स्ट ईयर सनम रे, एयरलिफ्ट, जुनूनियत एंड कपूर सन्स. फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv.